हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 12 मार्च है और निफ्टी पे अपडेट लेके आया था। निफ्टी आज अच्छा खासा आपको दिखाई दिया और अपने हाई को टच किया, 1301 को टच करके अच्छा खासा पोजीशन पे क्लोज हुआ। एडवांस 30 थे, डिक्लाइन 9 थे, वन अनचेंज्ड था। जो एडवांस थे भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, इंडसइंड में LT और अदानी पुट्स एडवांस की ओर थे। आयसर मोटर, बजाज फाइनेंस, इंफ्राटेल, हिंदुस्तान JSW ने लोअर की तरफ थे। अगर मैं जाके इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स में आप देखेंगे सारे इंडेक्स आपको गेन के रूप में देख रहे हैं, सभी गेन की ओर गए हैं और ऊपर की ओर ही क्लोज दिया है। सबसे अच्छा स्मॉल कैप 50 ने किया है और फिर स्मॉल कैप 100 ने भी किया है, तो इंडेक्स भी पॉजिटिव है। बिग्स भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव मतलब वो मार्केट निगेटिव होते हैं। निफ्टी 50 की बात करें तो 11301 पे क्लोजिंग दिया है, ओपन हुआ था 11231 पे, हाई बनाया 11320 और हाई पे ही क्लोज देता है। लो गया था 11227 में, लो जाने को ये बहुत ज़्यादा, जहाँ ओपन हुआ वहाँ से थोड़ा सा नीचे गया, तो नीचे जाता नहीं है। तो इसका 52 वीक जो हाई 11760 है, तो क्या ये इसकी ओर बढ़ रहा है? हो सकता है कि बढ़ रहा हो, लेकिन इसमें क्या है, 11400 का जो लेवल है इसको, वो इम्पोर्टेंट है। 11400 को क्रॉस करना, 11400 के लेवल से ही ये बार बार जो इसका रिट्रेसमेंट पीरियड होता है वो निफ्टी के जो ट्रेंड है 78%, जो बॉटम से ऊपर की ओर 78% ना, टॉप से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर जब जाएगा तो जो टोटल फॉल हुआ उसका 78% पे वो जाके नीचे लेता है। इसके प्रीवियस ट्रेंड में भी आप देखेंगे, निफ्टी के प्रीवियस ट्रेंड में भी ये दिख रहा है, यहाँ से गया और 10879 से देखेंगे यहाँ पे एक स्पाइक लिया 10879 के आसपास, जो कि 78.786 78.60% होता है। अभी भी जो देखेंगे इसका 78.60% जो होता है वो होता है 11384, ये देखिए 11384, और ये क्लोजिंग दिया है आपको 11301 के पास। तो हो सकता है कि आपको 11384 के लेवल से वापस रिट्रेसमेंट दे, और अगर इसको ये क्रॉस करता है तो हो सकता है कि आपको ये 700 की ओर जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले इसको ये क्रॉस करना जरूरी होगा। जैसा मैं आपको मंथली चार्ट पे बताया था पिछले, जब पिछले वीडियो में आपको, मैं प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो हर मंथ को एक नया हाई बना रहा था। 11985 बनाया था दिसंबर में, जनवरी में बनाया 987, उसके बाद बनाया 11118 फरवरी में, और मार्च में ऑलरेडी अभी 11319 का हाई बना चुका है। और यहाँ पे भी देखिए इस कैंडल को, तो 11366 का हाई बनाया था, तो हो सकता है ये इसका हाई अब नियरेस्ट टू क्लोज हो। थोड़ा सा इसमें कॉशियस आप देख सकते हैं, अगर 400 क्रॉस करता है तो फिर ठीक है, एक या इस कैंडल को फिर ऊपर की ओर जाएगा जहाँ 760 का पैटर्न बना था। मुझे लगता है कि नहीं बनना चाहिए अभी इस महीने तो, एटलीस्ट अब इसकी जो हाई है लगभग 384 तक जाके वहाँ क्लोज होनी चाहिए और अब नीचे की ओर जा सकता है। अगर मैं इसका FI की बात करूँ तो FI ने देखिए 2477 करोड़ की खरीदारी की। अब आप देख लीजिए, आप अपने जो भी आपके बॉटम स्टॉक है उसको बाइंग करना चालू कर दीजिए, मार्केट बहुत कुछ डिस्काउंट करना चालू कर दिया है, इलेक्शन के रिजल्ट को अभी से डिस्काउंट होना चालू हो गया। और DI ने वही 990 करोड़ की सेल की है। कल के लिए जो बैन में शेयर है, 13 मार्च के लिए जो बैन में है शेयर, वो है IDBI, जेट एयरवेज, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर, ये सब बैन में रहेंगे कल के लिए। और अगर मैं डेरिवेटिव में भी एक बार जा करके देखूं तो 20 मार्च की जो एक्सपायरी है उसको देखूं मैं, पहले तो एक बार 14 मार्च की एक्सपायरी को देख लेते हैं, 14 मार्च की एक्सपायरी को देख लेते हैं। 11301 जो पे क्लोजिंग हुआ, तो एट द मनी जाकर के 11300 पे जाके देखते हैं, तो आप देखेंगे 11300 पे यहाँ पे 3,77,000 की बाइंग हो रही है, टोटल ओपन क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट 11,91,000, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और इसके बाद 8 लाख का है 11350 पे, और 11400 पे है 10 लाख का, तो इसी तीन लेवल पे आप देखेंगे तो 11, 8, 19, 9, 27 30 लाख का लगभग तो इसी लेवल पे हो जाता है, तो 11400 क्रॉस करने में इसकी थोड़ी सी हालत खराब होगी। ऊपर की ओर देखें, नीचे की ओर पुट में देखें, तो आप देखिए 11300 पे तो 10,10,000 से शॉर्ट किया जा रहा है, 11250 पे 14 लाख से, 11200 पे 14 लाख से, मतलब अच्छा खासा सपोर्ट है इसको 11300 के ऊपर, लेकिन वो वॉल्यूम आपको ऊपर की ओर जाते हुए नहीं दिखेगा। जब 11350 पे देखे सिर्फ 85,000, 81,000, वो भी आज ही क्रिएट हुआ है, मीन्स ऊपर की ओर शॉर्ट करते हुए पोजीशन में इतना दम नहीं है जितना 11300 लेवल पे है, मतलब कि ऊपर की ओर अब जाना थोड़ा रिस्की है।
और यहाँ पे भी आप देखेंगे 11400 इससे दिखता है, ऊपर जाना थोड़ा तकलीफ देगा काम है। और अगर मैं 28 मार्च की एक्सपायरी की देखो, जो इसके 28 मार्च की एक्सपायरी का डाटा देखो, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 11250 पे, 11200 पे अनवाइंडिंग हो रही है, 11500 पे अनवाइंडिंग हो रही है। मतलब कि अब जो लोग प्रॉफिट बुक हो चुका है, अब उनको लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुक करके बाहर की ओर जाते जाए, और लोग यहाँ से अनवाइंड करके बाहर की ओर जा रहे हैं। और जो शॉर्टिंग पोजीशन है वो 11400 तक आपको देखेगा, मार्च में 11450 के ऊपर शॉर्ट हो ही नहीं रहा है। तो 11300 पे यहाँ पे भी देखेंगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट है 9,22,000 का, और 19 लाख और 11400 पे देखेंगे तो क्या 22 लाख का तो मंथली क्लोजिंग में इसको 11400 पे रेसिस्टेंस है। तो किसी भी तरह जो दिख रहा है 11400 को क्रॉस करना बहुत ही टफ काम है। आपको निफ्टी के जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी समझा दिया कि ये लेवल जो होता है इसका 11384 जो होगा, 11384 ये इसका 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल होगा बॉटम से। लोग को नीचे से भी ऊपर की ओर देखते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, मैं नीचे से ऊपर की ओर देखता हूँ कि ऑलरेडी नीचे फॉल से कितना परसेंट ऊपर जा चुका है। तो टोटल फॉल का ये अभी तक जो फॉल था तो 78.4% लगभग ये रिटेस्ट हो चुका है, और समझिए 75 हो गया, 25 बाकी है अगर 100% उसको जाना है। तो यही लेवल ऐसा लेवल है, ये लेवल ऐसा है जहां पे आकर के ये रुक सकता है। और एक चीज बताऊं, जब भी इस तरह से स्पाइक होकर के वॉल्यूम की ओर भागता हुआ दिखे तो वही कि स्पाइक होता है, स्ट्रेंथ नहीं होता है, ऐसा मेरा अपना समझना है। ये को उठा उठा के भगा रहा है, ये जब गिराना चालू करेगा तो एक साथ गिरा देगा। तो मैं इस स्ट्रेंथ में भी बिलीव नहीं करता हूं। तो मुझे लगता है कि आपको निफ्टी पे एक कॉशियस पोजीशन रखनी चाहिए, और जब तक निफ्टी 11200 के लेवल को सपोर्ट देता है तब तक आपको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर 11200 के लेवल को सपोर्ट से तोड़ता है तो शायद पुट की ओर पोजीशन आपको देखनी चाहिए, नीचे की ओर पोजीशन हो सकती है। जैसे ही अगर मान लीजिए अगर इसी रिट्रेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो आता है 61, 11093 मैंने 11100 आता है 11093, अगर ये लेवल ये तोड़ता है 11093 तो 10888 की ओर जाते हुए दिख सकता है आपको, और 10888 तोड़ेगा तो 10683 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है। तो ये था आगे निफ्टी का पोजीशन, निफ्टी का व्यू। आगे आप वीकली समझ लें, वीक्स नेक्स्ट वीक्स कमिंग वीक्स के लिए, और ये पोजीशन हो सकता है यहाँ से ट्रेलिंग करे। और जैसा मैंने आपको पहले चार्ट पे भी दिखा दिया और पिछले जो ट्रेंड बना था उस आधार पे भी दिखाया, तो यहाँ पे भी इसने 11366 का हाई बनाया था जो लगता है कि अब बन चुका है। तो हो सकता है आपको इस महीने की क्लोजिंग हो सकता है कि 10604 10650 की ओर जाता हुआ आपको दिखेगा। तो निफ्टी पे एक छोटा सा ओपिनियन था, कोई ज्यादा व्यू नहीं था, मेरा कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, अगर ये ऊपर की ओर कल जाता है एक बार, और अगर हम उसके बाद इसको 20 मार्च का, 20 मार्च का नहीं, 28 मार्च के, 28 मार्च के पुट के कॉल को देखें और ये 10600 तक जाएगा, तो मैं 11000 का पुट ही देख लूं जो कि 39 में सिर्फ मिल रहा है, और कल ऊपर जाता है तो ये और नीचे मिल सकता है। तो ये एक अच्छा रिस्क, बिना रिस्क का पेपर ट्रेडिंग किया जा सकता है 11000 की पुट को जो कि सिर्फ 39 में मिल रहा है, और कल हो सकता है ये आपको ऊपर जाए तो 25 में मिल जाए, 20 में मिल जाए। तो ये एक हो सकता है आपको एक अच्छा ही सौदा आपको देखने को मिलेगा। ये 11000 का पुट है, 28 मार्च की क्लोजिंग है, ओपन हुआ था ये 50 पे, हाई लगाया 50 का, लो लगाया 35 का, और लो की ही और क्लोजिंग दिया है, मतलब सौदा सेल का ज्यादा था। लेकिन पोजीशन जो बन रही है इसमें 3.85, सिर्फ 3.4 पोजीशन से शॉर्टिंग पोजीशन बनी है, शॉर्ट की पोजीशन बनाई गई है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है ज्यादा। तो 3.80 इसमें जो बायर है 1,59,000 और जो सेलर है 2,52,000। सेल करने वाले ज्यादा, जो बाय कर चुके हैं वो ज्यादा एग्रेसिव है, हर रेट पे सेल करने को तैयार है रेदर देन बाइंग। जो शॉर्ट किए हुए हैं अब वो बाई करना चाहते हैं। तो 1100 के पुट के पोजीशन को ऐसा दिखता है कि कमिंग डेज में ये आपको वेलेबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर सकता है। तो पेपर
ट्रेडिंग पर्पस से अगर चाहें तो 28 मार्च के 11,000 के पुट को जो आज के डेट में 39 है, कल आपको 30 से बिलो मिलेगा, तो 30 के अराउंड आप अगर इसको चाहें तो बाय कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, बाय नहीं कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, पेपर ट्रेड का सिर्फ रिकमेंडेशन है, वो आपके लिए फायदेमंद दिख सकता है। और अगर 11,400 का स्टॉप लॉस आपको 11,400 का लगाना है, अगर 11,400 400 ऊपर क्रॉस करते हुए दिखता है तो फिर ये ऊपर के और ही जाएगा और 11,700 ट्राई कर सकता है, एंड स्पेशली अगर 11,500 क्रॉस करता है और सपोर्ट रहता है, अगर करेगा तो मैं आपको फ्रेश वीडियो आपको बता दूंगा कि ये ऊपर की ओर जा रहा है। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये ऊपर की ओर जाएगा, अगर मुझे लगेगा 11,700 की ओर जा रहा है तो मैं आपको फ्रेश अपडेट फिर से दे दूंगा निफ्टी पे। निफ्टी पे ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं कि हम इसमें कोई भी पोजिशन बनाए, ये सिर्फ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से। आपको कोई भी पोजिशन बनानी हो तो पहले खुद स्टडी करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इस पर कोई भी पोजिशन बनाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।